नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सौर मंडल ग्रह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट आपका है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सेकंड आपका है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। आपने नोटिस किया है, जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? कैपलर्स ने लगाया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपलर्स लॉ हाई स्कूल में, 12th में, 11th में। नेक्स्ट आपका है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? अंतरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल है। नेक्स्ट आपका है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? ग्रह मानते हैं। प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते हैं। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य कौन सी गैस का गोला? हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में आराध्य को सूर्य दिखाई देता? नॉर्वे देश में आराध्य को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। जो सूर्य से ग्रह की दूरी उसे उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है? उसकी मात्रा कितनी रहती है? 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन की मात्रा रहती है 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 88 दिन टाइम लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह सबसे कम समय में लगाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी। आप लोग जानते होंगे पृथ्वी पर जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।